हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है कॉल करते हैं किसी को भी तो आपकी डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाती है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी फ़ोन की डिस्प्ले जो है ना कॉल करने पर ऑफ तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा अगर ऑफ होती है तो वो समस्या होती है। देखिए हमारी डिस्प्ले ऑफ कब होती है, हम किसी को कॉल करते हैं तो अगर हम सबसे ऊपर अगर स्क्रीन के ऊपर ऐसे हाथ से अगर ढक देते ना अपने फोन को तो स्क्रीन ऑफ होती है, तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि ऐसा होता है। और अगर हम कॉल करने पर अगर अपने फोन को कान के पास ले जाते हैं तो भी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो भी ये नॉर्मल है। ठीक है, ये ऐसा होता ही है सेटिंग में मोबाइल फ़ोन की। लेकिन दोस्तों अगर आप कॉल करते हैं किसी को और आपकी स्क्रीन जो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, बिना हाथ लगाए ना कुछ, तो इसमें दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन के सबसे ऊपर ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। ठीक है, अगर आप हाथ से कवर करेंगे कॉल करने पर तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अगर हाथ से कवर किए बिना ही अगर स्क्रीन ऑफ होती है कॉल करने पर तो ये समस्या होती है। हो सकता है कि आपका स्क्रीन कार्ड जो है कहीं से टूट गया हो, यानी कि चटक गया हो हल्का सा, तो यहाँ पर जो है उससे दिक्कत आती है। हमारे मोबाइल फ़ोन के सबसे ऊपर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसको ये लगता है कि हम उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना स्क्रीन कार्ड चेक करना है कि आपका स्क्रीन कार्ड ठीक तरीके से लगा हुआ होना चाहिए और आपका स्क्रीन कार्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो इसे आप चेंज कर लीजिए स्क्रीन कार्ड को। ठीक है, इससे आपकी जो है डिस्प्ले कॉल करने पे जो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पर करना है क्या है, एक बार जो है अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन के साइड में ना पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको स्टार्ट के बटन पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद जो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी होती है ना तो वो दूर हो जाती है। जैसे हमारा फ़ोन जो हैंग करता है, डिस्प्ले स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ होने लग जाती है, ठीक है, बार बार ऑन ऑफ होती है, कॉलिंग की समस्या आती है, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। एक बार अपने फ़ोन को जो है रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जो एक बार जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे, रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा पर टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी जो समस्या है ना कॉल करने पर जो स्क्रीन ऑफ होती है वो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी, यानी कि सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको इरेज ऑल डेटा पर सिलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है ना वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं और भी बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपको अपने फ़ोन का डेटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा रीसेट करने से और इसे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। और आपकी मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है ताकि आप अपनी जीमेल आईडी को बाद में लॉग इन कर सके अपने फ़ोन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रीसेट करने से पहले इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं होता है, अपडेटेड आता भी है उसका अपडेट आता है तो हम अपडेट नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल फोन का अपडेटेड है या नहीं है, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करना है, चाहे आपका वाईफाई कनेक्शन है चाहे आपका सिम का डेटा, इसे आपको इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद सेटिंग का पेज ओपन करना है, सेटिंग के पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन या बटन दिखाई देता है तो, अगर नहीं दिखाई देता तो कोई बात नहीं, अगर अपडेट का बटन दिखाई देता है तो आपको इसे अपडेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन अपडेट होने लगेगा, तो अपडेट होने में फ़ोन को जो है 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। आपको अपडेट का प्रोसीजर जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फ़ोन अपडेट होने के बाद जो है आपकी कॉल करने पर जो डिस्प्ले ऑफ होती है इसकी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों आपको एक चीज और करनी है कि आपका ये जो फोन ऐप होता है, फोन ऐप को जो है ना उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपका एक छोटा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर स्टोरेज, क्लियर कैच, इस पर आपको क्लियर कैच पे सेलेक्ट करना है तो आपका ये जो कैच है इसके सामने वाला डेटा जो है जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है तो आपका ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पर टैप करना है तो आपका यूजर डेटा भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरीके से ऐप को जो है आप इसे रीसेट कर लीजिए, इससे आपकी जो है समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी
प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। जो भी आपके मोबाइल फ़ोन का सर्विस सेंटर आपके आसपास होगा वहाँ पर आप इसे ले जा सकते हैं, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है ना। तो ये वैसे तो जितने मैंने प्रोसेस आपको बताए हैं सारे प्रोसेस करने के बाद आपकी समस्या जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी।